भैया गुम के विराट अब लौट रहे हैं टेलीविजन पे, लेकिन एक नए अवतार में। जी हाँ, नील भट्ट और साथ में गौतम, अरे भैया वो पंड्या स्टोर वाले गौतम, अब साथ में नजर आएंगे मेघा बरसोरे में। आज से शुरुआत हो रही है सीरियल की कलर्स पर, और ये दोनों ना बड़े पक्के दोस्त हैं। अब जब मेघा के बरसने की बात कर ही रहे हैं, तो हमने सोचा ऐसे रूखी सूखी बात करके कहाँ मजा आएगा, चलो इनके साथ चाय पकौड़ों का मजा लेते हुए मॉनसून मतलब मेघा की बात भी कर लेते हैं। Obviously, मैंने बोल दिया है, आपने सुना नहीं है क्योंकि आप मुझे घूर रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा चटोरा है ये इंसान, भूकड़। सारे भुक्कड़ हैं, मैंने एक दो बार स्टार्ट किया तो मेरा खाना खा जाते थे, मेरी डाइट में मेरी डाइट ही नहीं हो पा रही थी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेघा बरसिंह के सेट पर, और यहाँ पे बरस रहे हैं चाय पकौड़े। अब चाय आने वाली है। प्यास के प्याज बेच हमें खा तो नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, अभी इन्होंने भजिया रख दिए सामने, पकोड़े रख दिए, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, बारिश हो रही है, अभी एकदम से बारिश पड़ी जैसे ही हमारे भजिया आए। यू मीन टू से मेघा बरस रही है? यस, मेघा बरस रही है। मैं आप दोनों को बचपन से देख रही हूँ, सो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी कि मैं इतने अच्छे एक्टर्स, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करी जिन लोगों जिनको मैंने टीवी में देखा। आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू मीट बोथ ऑफ देम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग पे मिली थी, ही वॉज रियली क्वाइट, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। वही तो बोल रही हूँ, जब मैंने आपको इनिशियली देखा तो आप बहुत क्वाइट थे, कुछ नहीं बोला। तो जो मनोज है वो बहुत बोलता है। वो बहुत अच्छी पट्टियाँ पढ़ाता है और ऐसे प्रेजेंट करता है कि बस यही है। बहुत बड़ा चटोरा है ये इंसान, भूकड़। बिल्कुल, चाय लवर दोनों हैं। एंड बच्ची है, मतलब होता ना हमसे इतनी छोटी है, कैसे एक्टिंग करेंगे इसको, मतलब होता ना कि हमें सेट पे इसको बहुत ही पैम्पर करना पड़ेगा, है ना। जब तुम छोटी बच्ची थी तब हमें देखती थी ना। अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ, इसीलिए तो आई हूँ, इसीलिए मैं फिर नील से मिलती हूँ। मैं बोलती हूँ नील, ये धब्बा जो मुझ पे लगा है इसे हटाना है। Unfortunately, Neil is not there in the show. Arjun is there. इतना गुस्सा बरसाया है, इतना सब, मतलब we've had good intense scenes, सब गुस्से वाले, बिकॉज सर्चिंग चल रहे हैं ना, वो फर्जी दूल्हा कौन है, क्या है, तो वो वैसे सीन्स काफ़ी हो चुके हैं। हमारा शूट जो चल रहा है ना, मतलब एक्चुअली डे नाइट चल रहा है, लेकिन हम लोग इन्जॉय बहुत कर रहे हैं, बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली जो शो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। पंजाब गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाई है फॉर टू सॉल्व दिस, एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर स्टिल 30,000 पेंडिंग केसेस, एंड या सो Unfortunately.
नील के साथ भी शूट किया, मेरे साथ भी शूट किया, मज़ा किससे आया? मैं ऐसे ही जानना चाहता था इसका रिएक्शन। मुझे अपने साथ शूट करने में मज़ा आया, मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद में खुश रहती हूँ। ये तो अपना घर से टिफिन लेके आता है, हेल्दी तो बहुत ही यमी होता है, तो मैं यहाँ से भी खा लेती हूँ। ये अपने रूम से खा के आता है, जो इसकी डाइट चल रही है तो ये तो देता ही नहीं है। तो जो सेट पे एक्चुअली इतने सारे भुक्कड़ हैं, मैंने एक दो बार स्टार्ट किया तो मेरा खाना खा जाता था, मेरी डाइट में मेरी डाइट ही नहीं हो पा रही थी। तो जो मेरा भाई है वो तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, आई लव फूड एंड या शी इज़ राइट, मैं घर से टिफ़िन आता है मेरे एंड हम सब खाना खाते हैं, मस्त बैठ के सब साथ में खाना खाते हैं एंड वी ऑल शेयर आर फूड। अरे तू क्या लाया, अरे तू क्या लाया, अच्छा दाल देना, अच्छा ये सब्जी, ये जो आप कड़ी लेके आए थे अभी अभी, वो मैंने पहली बार खाई थी और बहुत अच्छी थी। हाँ, तो गुजराती कड़ी नहीं खाई थी सेट पर लोगों ने, तो खिलाई एंड बहुत मज़ा आया सबको एंड मैंने भी सबका खाना खाया। हाँ। सवाल था कि क्या हमें सीन्स में पकोड़े चाय खाते हुए हम दिखेंगे कि नहीं, इट वॉज अ नाइस वे। तो मैंने बताया ना मेघा को बहुत पसंद है बनाना खिलाना, तो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं है क्योंकि आप मुझे घूर रहे थे। नहीं, मैं आंसर सुन रहा था। जाते जाते यही कहूँगा कि इनको हम खाते हुए देखेंगे और हम सीन कर देंगे, अगर आपको हम ऐसे दिखे कि सीन ढंग का बरस नहीं रहा है तो आपको पता है किसकी वजह से। अब मैं जब सीन करूँगी तो ये दोनों ऐसे ही मुझे घूर रहे होंगे, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगी बताओ। तो 50 लोग देख रहे हो तो घूर रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग नो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। या बट बहुत मस्ती मजाक होता है सेट पे, बहुत अच्छे दोनों हैं, ये सिर्फ यहाँ पर अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, बट यार इट्स फन यार, मजा आता है दोनों के साथ काम करने में। ABP News, आपको रखे आगे।